अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है और इसका नाम है सोया मेथी फ़िश। सोया मेथी वाली फ़िश का जायका औसम होता है। इसको आप ज़रूर बनाइएगा, आपके घर पर सबको बहुत पसंद आने वाली है। और मेरे तरीके से बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है, आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसको बनाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए कुक विद रिजवाना को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इट्स टोटल फ्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुक विद रिजवाना नाम पर लोगों ने बहुत से चैनल खोल लिए हैं। मेरा चैनल खुले हुए काफ़ी टाइम हो गया, आप यूट्यूब पर सर्च कर देख सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सिंबल देखकर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, देखिए, जिनको हमने बारीक स्लाइस कर लिया है। आप देख सकते हैं हमने इनको कितना बारीक स्लाइस किया है। पच्चीस से 30 लहसुन के जवे हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है जिनको हमने छीलकर अच्छे से काट लिया है, 15 हरे मिर्चे हैं, 5 टमाटर हैं और ये 250 ग्राम सोया मेथी है जिनको हमने साफ करके बारीक काट लिया है और अच्छे से धो लिया है, और धो के इसको एक छलने पे रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब देखिए, ये टमाटर को हम इस तरीके से बारीक काट लेंगे, बारीक स्लाइस काट लेंगे। हमें बहुत पतले पतले स्लाइस लेने हैं। और ये अदरक लहसुन और हरे मिर्चे जो हमने आपको दिखाए थे, इनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक एकदम फाइन पेस्ट पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम एकदम बारीक फाइन पेस्ट पीसेंगे, बिल्कुल बारीक होना चाहिए। और ये देखिए, बारीक फाइन पेस्ट पीस गया है। और ये देखिए, हमारे पास 1.5 kg फिश है जिसको हमने अच्छे से धो लिया है, बहुत अच्छे से साफ करके रख लिया है। अब हम सबसे पहले एक पैन चढ़ाएंगे और उसमें 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तब हम इसमें अपनी स्लाइस करी हुई प्याज शामिल कर देंगे। और अब प्याज को हमें गोल्डन फ्राई करना है। हमें अपनी प्याज को लगातार चलाते हुए गोल्डन फ्राई करना है। अगर हम चलाते हुए गोल्डन फ्राई नहीं करेंगे तो हमारी प्याज कहीं पे डार्क हो जाएगी और कहीं पे बिल्कुल फ्राई नहीं होगी। तो हमें लगातार चलाते हुए अपनी प्याज को फ्राई करना है। हमने लगातार चलाते हुए प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें अपनी सोया मेथी जो हमने काटी थी वो इसमें अब हम शामिल कर देंगे और इसको प्याज के साथ मिलाएंगे। अब जो हमने आपको टमाटर दिखाए थे, स्लाइस करे थे, वो इसमें शामिल कर देंगे और फिर अच्छे से मिलाएंगे। और जो हमने लहसुन और हरे मिर्चे पीसे थे वो अब इसमें हम शामिल कर देंगे और ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 3 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब हम इस सब चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला, होममेड है, वो इसमें शामिल करेंगे। आपको अगर गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब हम इसमें लिड लगा देंगे और 5 मिनट पकने देंगे, या जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते, जब तक हम लिड लगा के पकाएं। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और देखिए, हमारे टमाटर और सोया मेथी गल गए हैं। अब हम इसे चम्मच के देखिए पीछे से इस तरीके से प्रेस कर टमाटर और सोया मेथी को अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हमें इसको भूनना है और 2 से 3 मिनट होने के बाद
हम इसमें अपनी फिश शामिल कर देंगे। और इनको आपस में अच्छे से मिलाना है, जिससे सोया मेथी और मछली आपस में मिल जाए। और अब हम लिड बंद कर देंगे और पकने देंगे जब तक हमारी फिश गल नहीं जाती और उसमें नमक मिर्च भी अंदर तक पहुंच नहीं जाती, और 10 मिनट इसे पकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम अपनी फिश को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी फिश गल गई है, तो इसे डिसआउट कर लेते हैं। अगर आपकी फिश नहीं गली हो तो 5 से 7 मिनट और लिड लगाकर गला लीजिएगा। तो देखा कितनी अच्छी दिख रही है, देख रहे हैं कितनी टेंडर टेंडर सी, मज़ेदार सी दिख रही है। आपको मैं बता नहीं सकती, इसका जायका बहुत लाजवाब होता है। तो ज़रूर बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को, आपके घर पर आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप की फ़िश कैसी बनी। अगर आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हमसे जुड़िए, हमारा हौसला बढ़ाइए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तो इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।